बैक टू माई चैनल यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरी अम्मी कुकिंग होम में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पराठा रेसिपी। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है पनीर पराठा रेसिपी, इसे बच्चे बहुत मांग मांग कर खाते हैं, आप लोग भी जरूर बनाइएगा। तो मैंने 2 kg दूध ले लिया था, उसे मैंने फाड़ कर और ये देखिए पनीर बनाकर रख दिया था, और इसे मैंने 4 pieces में कट करके और इसे क्रश कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। तो बड़े साइज वाला में करना है आपको, तो हम चारों को कर लेंगे। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा चीजें इस तरीके से बन चुका है, तो अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे। चॉप करके मैंने यहाँ पर प्याज कट किया, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, यहाँ पर सारी सब्जियां एक एक करके मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिया है, हरी मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जीरा गोल की पाउडर ऐड करेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया है ताकि बढ़िया फ्लेवर आ जाए, और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर ऐड किया है। आप कम खाते हैं तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 पैकेट मैगी मसाला भी ऐड किया है, मैगी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया रहता है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता ऐड किया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मसाले को मिक्स कर लेंगे। बच्चे को बहुत पसंद आता है चीज वाला पराठा रेसिपी, तो आप लोग भी जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो आटा मैंने पहले ही गूंथ कर रखा था, और इस तरीके से आपको बीच में हॉल जैसा बना लेना है और इसमें आपको पनीर को ऐड कर देना है। अब हम इसे धीरे धीरे इस तरीके से बंद कर देंगे और इसे बेल लेंगे। अच्छी तरीके से बेल लिया मैंने, तो तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। चूल्हे पे बना रहे बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अब हम इसे पलट लेंगे। दोनों तरफ हम इसमें देख लेंगे कि दोनों तरफ हो चुका है या नहीं, तो दोनों तरफ हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे, आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल में जो भी यूज करते हैं आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसे फिर से पलट लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होता है चूल्हे पर पराठा, आप लोग भी जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो ये देखिए हमारा चीजेस पराठा रेसिपी बन के तैयार है। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सर्व किया है, यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस और यहाँ पर मैंने खट्टी चटनी ऐड किया है, ताकि मीठा खट्टा दोनों जिसके साथ भी आपको पसंद हो उसके साथ आप खा सकते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।